तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल। और यार देखो यार, आज का वीडियो जो है मैं बता रहा हूँ कि कैसे आपको बायोलॉजी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पीवाई के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा। जिस देखो आपको लग रहा होगा कि आपका स्कोर जो स्ट्रक हो गया बायो के अंदर, ठीक है, कॉमन चीज है, 240 पे स्ट्रक हो गया, 200 पे हो गया, 240 280 पे हो गया, बढ़ ही नहीं रहा। ठीक है, 10 टेस्ट हो गया, बढ़ नहीं रहा, रेगुलरली क्वेश्चन कर रहे, बढ़ नहीं रहा। तो कुछ चीजें हैं और इस समय पे क्या आपके लिए बेस्ट बताऊंगा आपको। सिर्फ देखो जो मैंने चीज की थी वही मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और ये सेम चीज मैंने आपको नीट के पहले भी रिकमेंड की थी। मतलब जब मैं खुद इस चीज को अप्लाई कर रहा था और मुझे समझ में आ रहा था मुझे इससे रिजल्ट मिल रहा है, तब जब मेरा चैनल था नीट के पहले भी, ठीक है, सबको होता है कि बाकी लोग जो है नीट के बाद चैनल बनाते हैं, यूट्यूब के बाद में आते हैं, मेरा चैनल पहले से था और पहले से आपको गाइड कर रहा हूं कि मेरा स्कोर अच्छा आ रहा था और वही टेक्निक से मैंने अच्छा स्कोर किया, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी बताऊंगा, जो बताऊंगा ये कुछ फालतू नहीं है, ठीक है, इसको मैंने प्रॉपरली अप्लाई किया हुआ है और ये काम आएंगे आपको। और इस चैनल पर आपको एकेडमिक्स ही नहीं, नॉन एकेडमिक्स भी है वो भी बताएंगे कि कैसे करना है, क्या करना है, ठीक है। तो पहली चीज, बायो में अगर स्कोर स्ट्रक है, ठीक है, दो चीजों का ध्यान रखना। और एक और अनाउंसमेंट भी है कि मैं आपको कराऊंगा, क्वेश्चन आ रहे हैं। एक पहली चीज कि यार मैंने आपको इतने दिन से कह रहा हूं कि बायो के जो PYQs है, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, वो अगर आप कर लोगे तो आपके बायो में 85 सवाल सही हो जाएंगे, ठीक है। मैंने कहा था आपको ये चीज, अब आपको प्रूफ अभी मिल रहे हैं उसके, ठीक है। अब मैं आपको, कोई भी बच्चा आता है कि भैया ये रैंडम मॉक टेस्ट है, आप देख रहे होंगे कि उसमें से लास्ट के दो महीने जो क्वेश्चन किए हुए हैं, 80-85 क्वेश्चन 90 में से उन्हीं में से होते हैं, ठीक है। अभी पेपर हुआ था आपका गुजरात सीईटी का, आउट ऑफ 40-36 क्वेश्चन हमारे यहां से आए, ठीक है, जो हमने क्वेश्चन करवाए थे सेम पैटर्न के, और मिनिमम 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो एग्जैक्ट लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रिपीट हुआ है गुजरात सीईटी 2021 का पेपर। अभी आपको होगा KCET का पेपर, तो वो भी आपका रिपीट होगा। और मैंने आपको एक ट्रेंड दिखाया था कि कुछ टॉपर जो है गुजरात सीईटी, KCET और एम्स के कुछ क्वेश्चन क्यों करते हैं, क्योंकि हाई पॉसिबिलिटी होती है गुजरात सीईटी, KCET और एम्स के पेपर की नीट में आने की। कई लोग इसको फैक्ट को इग्नोर करते हैं, और मैंने ये फैक्ट पहले पकड़ लिया था, ठीक है। मैंने ये कुछ क्वेश्चन किए थे गुजरात सीईटी, KCET के, और वो क्वेश्चन एज इट इज नीट में आ गए थे, एज इट इज विदाउट चेंज किए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, और PYQ बताइए आपको नीट के, अगर आपका स्कोर रुक गया है, नहीं बढ़ रहा है, अच्छा भी आ रहा है, कुछ भी हो तीनों फैक्टर में से, आपको सबको करने PYQs। मैं आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ कि PYQs अब यहां से, अगर आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो अच्छी बात है, लेकिन रोज PYQ करने हैं, यहां से मिनिमम 3 टाइम को PYQ रिवाइज करना है। अगर आपने PYQ कर रखे वेरी गुड, फिर भी रिवाइज करने हैं, और हर बार रिवाइज करने टेस्ट के फॉर्म में। देखो मुझे पता है कि हर एक बार ये बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको बताऊंगा खुद की एक ट्रिक जो थी मेरी। मैंने मंगाए थे PYQ के 3 बुक, ठीक है, जो MTG के आते हैं, ठीक है, तो MTG दिशा का जो भी, मुझे याद भी नहीं है, ठीक है। तो मैंने वो 3 बुक्स जो थे सेम मंगाए थे, और मैं लास्ट के 1 मंथ में तीनों बुक को हर बार सॉल्व कर चुका हूं। मतलब फर्स्ट टाइम जो सॉल्व किया अच्छे से किया, सेकंड टाइम जब किया जो लगे डाउट वाले क्वेश्चन उनको जस्ट कर दिया, थर्ड टाइम जब किया ऊपर से देख लिया उस बुक को, टिक 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 इस तरह से, ठीक है। अब मुझे पता है बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो आप PDF से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, या क्लास में कर लो, लेकिन आपको PYQs मल्टीपल टाइम्स बायो के, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों के 2-3 बार करने पड़ेंगे, और स्पेसिफिकली बायो के लिए आपको 2 बार तो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं, समझ में आ रहा है। अब और यहां पे आपको सिलेक्ट भी करना है कि 2005 के पहले कौन से इंपॉर्टेंट है, 2005 के बाद के कौन से इंपॉर्टेंट है। तो कल से अपन लोग, मतलब कल आपका क्या है, 11th of August से लेके 20 अगस्त के पहले पहले, ठीक है, आपको मैं सारे PYQs चैप्टर वाइज नीट के, एम्स के, CETs के, ईयर वाइज बता के, और उससे रिलेटेड थ्योरी, ठीक है, कि ये आपका PYQ है तो इस साल इसको किस तरह से ट्विस्ट कर सकते हैं, या इस साल इससे रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से अपन लोग कर रहे होंगे। बस 2 घंटा रोज, सुबह 9 बजे, शाम को 9 बजे, एकदम फ्री है सबके लिए, ठीक है, सबके लिए फ्री होगा। जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हो यार, जिसको ज्वाइन करना है लिटरली उसको ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए क्या करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, अथर्व अग्रवाल ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक मिल रहा होगा, लिंक भी है। और आप मुझसे मत पूछिए, जो बच्चे रेगुलरली कर रहे हैं, ठीक है, उनसे उनका स्कोर पूछ लीजिए। मैक्सिमम मैंने रिव्यू लिया था अभी गूगल फॉर्म के थ्रू कि कितने बच्चों ने अपना स्कोर इंप्रूव कराया, ठीक है। हर क्लास में 500-600 बच्चे आते हैं और 99% स्टूडेंट्स का स्कोर इंप्रूव है, ठीक है, और इसके पीछे मेरा 1% हाथ नहीं है, ठीक है। क्यों हाथ नहीं है भाई, क्योंकि सब मेहनत स्टूडेंट की है, वो आ रहा है, बैठ रहा है वहां पे। फर्स्ट डे काफी बच्चे आते हैं, अल्टीमेटली सेकेंड डे, थर्ड डे सब कम, सबका मोटिवेशन खत्म। मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप आज से ये PYQ सीरीज कल से स्टार्ट हो रहा है, 9 दिन बस कर लोगे, इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे, कुछ PYQs भी होंगे, PYQs मोस्टली होंगे, कुछ एक्स्ट्रा भी होंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी होंगे, एम सब कुछ कवर हो जाएगा, नीट के, EIPMT के,
सारे इंपॉर्टेंट सवाल कवर हो जाएंगे चैप्टर वाइज। तो अगर आप ये कर लेते हो तो मेरा यकीन मानिए कि आपके 30 से 35 सवाल आपको तुरंत क्लिक करेंगे। तुरंत क्लिक करना डिफरेंट, ठीक है। अगर जब पेपर आप क्वेश्चन नीट में करोगे, नीट 2021 के अंदर जब सवाल करोगे, ठीक है, आपको दिखेगा क्वेश्चन नंबर 8 ये तो 2 सप्ताह का PYQ है, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी 2005-06 में आया हुआ है, ये वाला PYQ ये मेरे साथ हुआ था रियल में, ठीक है। फिजिक्स में मैं 8 क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करके आया हूं, मतलब सॉल्व नहीं किया आंसर बताते, मुझे सॉल्व नहीं किया है आंसर बताते। और नीट के फिजिक्स के PYQ के अंदर लगभग मेरे को जितना याद है 25 क्वेश्चन से ऊपर ही 30 क्वेश्चन के आसपास PYQ से रिपीटेड थे, ठीक है, क्योंकि मैंने PYQ काफी अच्छे से किए थे, मुझे पता था कि उनकी टेक्निक क्या है, कैसे उनको करते हैं, ठीक है। तो मैंने गलती नहीं की। एक तो सवाल था रे ऑप्टिक्स का, जो मैंने डायरेक्ट देखते ऐसे टिक कर दिया, मुझे आंसर पता था उसका, आंसर याद था, सॉल्व भी नहीं किया मैंने, ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये चीज है, हर इस पर रिपीट होंगे, लेकिन बायो के मैं कराऊंगा प्रॉपरली, बस 2 घंटा सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे, सुबह 9 से 10 शाम को 9 से 10, ठीक है। अगर आप ये प्रॉपरली कर लोगे फॉलो, ठीक है, तो आपको 30 से 35 मिनिमम बोल रहा हूँ ये तो देखे देखे मिलेंगे। और जो मैं शब्द बोलूंगा, देखो आप खुद से पीवे के करोगे टाइम उतना लगेगा, लेकिन जो मैं शब्द बोलूंगा आपको कि ये पकड़ो, ये एक्स्ट्रा है, ये पकड़ना, ये आ सकता है, तो वो उनमें से आप मान लो 70-80 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 निकल जाएंगे, ठीक है। तो अटेंड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे टेलीग्राम के लिंक दे रखे हैं, टेलीग्राम पे सारे अपडेट टाइम टू टाइम आते रहेंगे, ज्वाइन कर लेना। एक्स्ट्रा कंटेंट, ठीक है, जो आपका प्रॉपरली हर एक PDF प्रीवियस ईयर का आपको मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है, आपका अरेंज फॉर्म मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर, वेबसाइट पे काफी कंटेंट आने वाला है, डेटा शीट हो गया, साइंटिस्ट की शीट हो गई, ठीक है, आपका ईयर हो गया, फैक्ट हो गया, एग्जांपल हो गया, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा atharvagarwal.com पे, सब कुछ फ्री होगा, ठीक है, सब कुछ जो है कंप्लीटली 100% फ्री होगा। तो यार यही टाइम है पूरा जोश लगा दो बायोलॉजी के ऊपर। अगर आप जोश लगाते हो तो बायो को आप 340+ फोड़ के आ जाओगे, मिनिमम बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने देखा है 360+ भी बच्चों के आए हैं, जो देखो यार ये लास्ट डे पे डिपेंड करेगा एक दो क्वेश्चन का, लेकिन आप इतना तो मिनिमम 340+ तो लेके आ ही जाओगे, ठीक है। चलो मिलते हैं। तो स्कोर स्ट्रक हो गया, कुछ नहीं करना है, स्कोर स्ट्रक है तो स्ट्रक हो गया एक जगह पे, तो बायोलॉजी को फोड़ दो, ठीक है। कैसे फोड़ना है, PYQ स्कोर अपने आप बढ़ेगा, ठीक है। मैं फैक्ट बता रहा हूं, मेरा स्कोर एक टाइम पे 300 के आसपास अटक गया था, ठीक है, 310 के आसपास। मैंने क्या फोकस किया, मैंने देखा होगा यार मॉड्यूल भी चैप्टर पढ़ लिया एक बार, एक चैप्टर मैंने मॉड्यूल पढ़े नहीं थे एक भी बार, ठीक है, एक चैप्टर स्पेसिफिक पढ़ लिया, उसका टेस्ट दिया, फिर भी नहीं बढ़ रहा स्कोर, अटक सा गया था स्कोर, ठीक है। तो मैंने सोचा PYQ में इतना फोकस रखूंगा कि भाई PYQ पूरा दिन PYQ करो, रेड ट्रॉप PYQ, ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इतने PYQ पर फोकस कर लिया और उसकी रिलेटेड थ्योरी जो है वो पढ़ ली, प्रॉपरली रिवाइज कर लिया। उसके बाद मेरा स्कोर एक ही, मेरे को लगता है 10 दिन का स्पैन था, 15 दिन का स्पैन था ये, आपका अगस्त के अंदर लास्ट ईयर, जुलाई के एंड में, ठीक है, ये स्पैन था 15 दिन का मेरा अप्रोक्सीमेटली। अब मेरा स्कोर 310-315 से उठ के 355+ चला गया था, ठीक है। इतना मैं डिफरेंस खुद में देखा था और आप में भी डिफरेंस जो दिख जाएगा, अगर आप कम स्कोर कर रहे हो 250 तो आराम से आप 380+ भी आराम से निकल जाओगे, ठीक है। तो फॉलो करना, बाय बाय, मिलते हैं कल सुबह, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, कुछ भी डाउट कमेंट करना, बाय बाय, और लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दें सबके अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और मैक्सिमम अपना जो है यहाँ पे सब्सक्राइबर्स बन जाए। चलो बाय बाय।